फ्रेंड्स, खानाखिलाना.com में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शालिनी आज आपके लिए लाई हूँ ड्राई गोभी मंचूरियन, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब तो कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैंने लिया है फूल गोभी, और जिसके मैंने लगभग 20 पीसेस कर लिए हैं। उनको अच्छे से वॉश कर लिया है और उनके पीसेस अलग अलग कर लिए हैं। और मेरे पास है ये एक कप के करीब स्प्रिंग अनियन, और आधा कप लिए है मैंने कैप्सिकम, आधा कप ली है अनियन, 3/4 कप मैदा, 1/4 कप लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर, नमक स्वाद अनुसार है, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने और लिया है जो मुझे आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। गार्लिक लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है 2 टेबल स्पून। सोया सॉस है मेरे पास 1 टीस्पून। 2 टेबल स्पून है टोमेटो केचप, और ये है चिली सॉस जो मैंने 1 टेबल स्पून ली है। वाइट विनीगर लिया है 2 टेबल स्पून। ग्रीन चिली है, चिली फ्लेक्स लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और थोड़ी सी काली मिर्च ली है मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पहले एक पैन ले लिया है, और पैन में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। लगभग 4 कप के करीब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। थोड़ा बॉईल होगा। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक गोभी डाल देंगे। इसको ब्लांच करना है हमें गोभी को 2 मिनट के लिए। चलिए अब हम एक बोल ले लेते हैं। इस बोल में मैं ये मैदा डालूंगी, फिर कॉर्नफ्लोर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा नमक 1/2 टीस्पून के करीब, चिली फ्लेक्स, और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे पानी डालकर। चलाते रहना है जिसे लम्स ना पड़े। पानी कम ज्यादा अब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से घोल लेना है जिससे हमारा सारा गोभी इसमें हमें अच्छे से कवर करना है। तो ना बहुत पतला बनाना है इसको और ना ही बहुत गाढ़ा रखना है। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं हम। इसमें लगभग 3/4 कप पानी लग गया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं पड़ने चाहिए, और तब तक हम कढ़ाई ऑन कर देते हैं। मैंने ये पैन में थोड़ा तेल ले लिया है इसको फ्राई करने के लिए, और तब तक मैंने इसको गर्म करने के लिए लगा दिया है। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम इसको अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारे गोभियों को एक एक डिप करके इसमें डिप करेंगे। उसके बाद हमें गर्म तेल में डालेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिर डालकर। अभी हमारा तेल नहीं हुआ है, थोड़ा सा और हो जाए। मीडियम हीट पर करिएगा इसको फ्राई। हम इसमें गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आइटम हो गया है, चलिए शुरू करते हैं।
पैन में एक बार में जितनी आ जाए आप उतने डाल दीजिए। इसी तरह से सारे अपने गोभी को फ्राई कर लेंगे। बाकी बचे गोभी भी मैं इसमें अच्छे से मैरिनेट करने के लिए डाल देती हूँ। जब तक पहले वाले हमारे तड़के तैयार होंगे तब तक ये भी अच्छे से कवर हो जाएंगे इसमें। हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है, गोल्डन ब्राउन इसको कर लेंगे हम। गोभी लगभग गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको हम निकाल लेंगे। आराम से चलने में निकाल लेंगे और सारा घी जिससे इसका स्ट्रेन हो जाए। देखिए हमने सारा गोभी फ्राई कर लिया है, अब हम इस पैन को हटाकर दूसरा पैन रखेंगे सॉस बनाने के लिए। ये मैंने दूसरा पैन ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन बस करना है इसको, ऐसा सा गोल्डन हो जाएगा। फिर हम इसमें अनियन डाल देंगे, अनियन को भी सॉटे करना है। जब अनियन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन। कैप्सिकम, कैप्सिकम सबसे लास्ट में डालना है, बहुत जल्दी कुक हो जाती है। हमारी हरी मिर्च तो रह गई है, अभी ये हरी मिर्च भी डाल देते हैं। जब कैप्सिकम थोड़ी सी कुक हो जाए तब हम इसमें बाकी अभी चीज़ें डालेंगे और सॉस बनाएंगे। सब्जियों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है,
मैं गैस को सिम कर रही हूँ। गैस सिम करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर और सबको मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें न डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ब्लैक पेपर, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा भुन रहा है। तब तक हम एक चीज़ तैयार करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि मैंने एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून का कॉर्नफ्लोर है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा सा पानी डालूंगी बस, और इसको मिक्स कर लेंगे। इस सॉस को थिकनेस देने के लिए इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको भी भूनेंगे जब तक ये थोड़ा ग्लॉसी नहीं हो जाता, तब तक। अब हम इसमें अपने गोभी, हमारी सॉस भी कुछ बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें वन बाई वन अपने गोभी डाल देंगे। पहले थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद सारे डालेंगे। लीजिए, हमारा ड्राई गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसे सर्व करते हैं। चलिए इसको सर्व करते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। खुशबू इतनी बढ़िया शानदार आ रही है कि बस अब रुका नहीं जा रहा। चलिए सर्व करते हैं। लीजिए, हमारा गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसे सर्व किया एक अच्छे से बोल में, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैं आपसे मिलूंगी नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।